क्वेश्चन नंबर 153 में किया दिया, सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट कंपाउंडेड एनुअली ग्रोस टू एन अमाउंट इन 5 इयर्स व्हिच इज अ फैक्टर ऑफ 1.191016 मोर देन टू व्हाट इट वुड हैव बीन ग्रोन, इट वुड हैव ग्रोन इन 2 इयर्स, व्हाट इज द रेट परसेंटेज। तो कहने का मतलब क्या है कि इनिशियली पी है, मान लेते हैं 2 साल में ग्रो होके कुछ हुआ होगा, जो भी हुआ है, फिर 3 साल में बोला है कि ग्रो होके कितना टाइम्स हो गया, 2 साल में जो था उसका 1.191016। तो अगर हम डेसिमल से बचना चाहते हैं तो यहाँ आप लिख देते हैं 1, डेसिमल के बाद कितना डिजिट से 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इधर आ जाएगा अपना 1.91, 1.191016। अच्छा एक बात, अगर 3 साल में ऐसा हो रहा है तो 3 साल में बढ़ने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर के क्यूब से मल्टीप्लाई किया होगा, तो हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं क्यूब की बात चल रही हो। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 800 का क्यूब लिखा हुआ है और ये हो जाएगा 106 का क्यूब। देखिए 6 का क्यूब से ही लास्ट में 6 आ सकता है और 100 के आसपास ये है, तो 100 का क्यूब, 106 का क्यूब ले लिया हमने, तो एम एफ का क्यूब जो है ये आ गया है 106 डिवाइडेड बाई 100 इसका क्यूब। तो भाई मेरे मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया है 106 बाई 100, तो रेट कितना हो गया माइनस करके 6 बाई 100 इंटू 100, तो हो गया है 6%। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।